हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। टेबल ट्रिक्स की सीरीज मैथ्स बेसिक्स 1.0 के बाद पेश है सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स की सीरीज मैथ्स बेसिक्स 2.0। आइए शुरू करते हैं। मैथ्स बेसिक्स 2.0 के अंतर्गत इस वीडियो में आप सीखेंगे क्यूब्स के बारे में, मतलब कि घन को बिना रटे कैसे आसानी से लिखा जा सकता है, जिसमें सिर्फ कुछ सेकंड्स चाहिए। आइए सीखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपने स्क्वायर्स के बारे में सीखा था, वहाँ पे हमने यूज़ किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर्स इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ठान लो तो उतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये दिख रहा है। बस आपको ध्यान रखना है ए प्लस बी का होल क्यूब, जो आपने याद किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी, उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ए क्यूब और बी क्यूब अपनी जगह, और बीच में जो 3 AB इंटू ए प्लस बी था उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करते हुए लिखा है 3 A² B 3 AB² ठीक है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इसके साम्राज्य को हमने दो भागों में बांट दिया है। यहाँ तक ए का साम्राज्य है और इसके इधर बी का साम्राज्य है। जब ए का साम्राज्य है तो ए जब अपने पूरे पावर में है तो क्या लिखा है इसे, ए क्यू। बी अपने पूरे पावर में है तो क्या लिखा है इसे, बी क्यू। ए की पावर थोड़ी कम हुई, ए स्क्वायर वाला फॉर्म आया, उसके साथ बी अटैच हुआ। और इधर पे देखिए, अगर इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो बी का पावर थोड़ा कम हुआ, बी स्क्वायर, उसके साथ ए अटैच हुआ। याद होगा आपको, जब हम स्क्वायर का फॉर्म लिख रहे थे तो वहाँ पावर 2 था तो हम बीच वाले नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पावर 3 है तो हम बीच वाले नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चूँकि फार्मूला 4 स्टेप का है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए हमने 11 का क्यूब लिखना चाहा, कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम पहले करेंगे 1 का क्यूब, इधर भी 1 ही है b के रूप में, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 1 का क्यूब। बीच में क्या करना है, मैंने बोला जो भी पहला नंबर है जो a का काम कर रहा है, वो नंबर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, मतलब वो संख्या हो सकता है, वो अंक हो सकता है। तो क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इधर की तरफ दूसरे वाले का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले वाले से। फिलहाल इस केस में दोनों ही 1 और 1 ही है, और भी कोई दूसरा केस देखेंगे उसमें ये दोनों डिजिट हम अलग रख के देखेंगे। फिर मैंने क्या बोला था, बीच वाले नंबर को जैसे हम स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब देखिए, मतलब 1 का क्यूब 1 देगा, यहाँ 3 × 1 का स्क्वायर इंटू 1 3 देगा, 3 × 1 × 1 का स्क्वायर भी 3 देगा, और 1 का क्यूब फिर से 1 देगा। मतलब आप जैसे लिखेंगे, हालांकि ये इतना टिपिकल नहीं है, आपको पता है कि 11 का क्यूब कितना होता है, 1, यहाँ से आया 3, फिर से यहाँ से आया 3, और यहाँ से आया 1, मतलब 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 3 3 1। ये भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर थ्राइस, वही आपका क्यूब बनाता है, एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना घन बनाता है। देखिए कितनी आसानी से आप इसे लिख सकते हैं बिना 3 बार गुणा किए हुए, सिर्फ इस बेसिक से फॉर्मूले की मदद से। आइए एक केस देखते हैं जिसमें कि यूनिट, टेंस और हंड्रेड, इन प्लेसेज पे मोर देन 1 डिजिट का केस बने। ठीक है, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पे एक से ज़्यादा अंकों का केस बने। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 31 के रूप में। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम 3 का क्यूब देखेंगे, इधर की तरफ हम 1 का क्यूब देखेंगे। बीच में क्या करेंगे, हम पहले 3 का स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 3। देखिए अब फिर वही ध्यान रखना है कि स्क्वायर वाले में हम बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम क्यूब वाले में फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3। ठीक है, देखिए ये भी बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी, है ना। चलिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3, 3 × 3 9, गुणे 1 कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। यहाँ पे कितना है, 3 × 3 का स्क्वायर है, मतलब 9 गुणा 1 मतलब कितना हो जाएगा, 27। 3 × 3 का स्क्वायर मतलब 3 9 जा 27 × 1 27। चलिए अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है, 9,
सिंगल डिजिट जब तक है, एक अंक जब तक है, तब तक कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे सेवन के बाद एक एक्स्ट्रा डिजिट है टू, जिसको हम कैरी के रूप में, मतलब हासिल के रूप में आगे भेज देंगे, ठीक है। तो इससे यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो बनेगा 29। तो इस तरह से अगर हमसे किसी ने पूछा कि बताइए 31 का क्यूब कितना लिखेंगे, तो आप बोलेंगे इसे 29791, 29791, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि यदि अब यदि मोर देन टू डिजिट्स का केस आ जाए, मतलब थ्री डिजिट्स का केस आ जाए, तो क्या करना चाहिए हमें। जैसा मैंने स्क्वायर्स वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था आपसे, कि चूंकि हम बाद वाला जो डिजिट होता है ना उसको रखते हैं, बाकी को हम कैरी करते हैं, तो बी का मतलब होता है बाद वाला और ए का मतलब होता है आरंभ वाला, मतलब शुरू वाला। तो ध्यान रखिएगा, बाद वाला डिजिट अभी तक हमें सिंगल ही रखना चाहिए, एक ही रखना चाहिए, बाकी जो भी बच गया उसे आप ए के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे किसको यूज़ करेंगे, 11 को यूज़ करेंगे, तो 11 आपका ए के रूप में यूज़ होगा और 1 आपका बी के रूप में यूज़ होगा। तो क्या लिखेंगे फिर हम, सेम वहीं से फॉलो करते हुए, 11 का क्यूब, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, और लास्ट में 1 का क्यूब। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बीच वाले दो नंबर हैं, है ना, स्क्वायर वाले में हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ क्यूब वाले में हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए, है ना, इसे लिख लेते हैं हम, कितना आएगा यहाँ पे, 1331, जो कि 11 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, अच्छा बीच वाले को देखिए, 1 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 33। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसका 3 टाइम्स, 363, ठीक है। सेम है कि अगर मान लिया कुछ कैरी होता है तो उसे आगे की तरफ ऐड करते हैं। यहाँ 1 है, सिंगल डिजिट है, यहाँ कोई कैरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है, और इस 3 को क्या करेंगे, हम आगे में ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मुझे मिलेगा 366, यहाँ पे सिंगल डिजिट मतलब 6 को छोड़ेंगे, और ये पूरा का पूरा 36 आगे ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1367। अब किसी ने पूछा तो बताइए फाइनल आंसर क्या होगा, तो यहाँ फाइनल आंसर होगा 1367। यहाँ से क्या आएगा, 6, यहाँ से क्या आएगा, 3, यहाँ से क्या आएगा, 1, तो 1367631, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने सिंगल एग्जांपल दिए हैं आपको। आप इसको रिपीट करके देखिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने आपको चैट विंडो का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर देंगे, विद इन 24 आवर मैक्सिमम, वैसे फ्यू मिनट्स में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, इंजॉय करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के शानदार ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।